आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बांकी विधानसभा से आज नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं विनोद सिन्हा। काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे बांकी से और आज नॉमिनेशन करने पहुंचे, कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने एक आम सभा को भी संबोधित किया अपने यहाँ हर्षायन मोड़ में, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि जनता का जितना प्यार मिल रहा है एक नया इतिहास बनेगा। क्या लगता है अभी बांकी बड़ा हॉट सीट होते जा रहा है, कई लोग मैदान में आए हैं और अब अपनी अपनी सब जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है बांकी में क्या होना चाहिए था जो नहीं? देखिए, लोग इतना उपेक्षित रहे हैं वहाँ पिछले 10-15 सालों से, सारे लोगों को एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है कि कुछ बदलाव होगा और इस खास करके युवा वर्ग पूरा बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं और युवाओं को भी अब सत्ता में भागीदारी चाहिए, राजनीति में भागीदारी चाहिए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। बस लास्ट प्रश्न, क्या कहेंगे? मैं सब युवाओं का आवाहित कर रहा हूँ कि आप उनको आह्वान कर रहा हूँ कि आप जागिए, तभी यहाँ का सत्ता में जो उदासीनता छाई हुई है, जो यहाँ के विकास को लेकर सारे लोग उदासीन बैठे हैं, यहाँ के लोग जर्जर स्थिति में जीने के लिए, स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं, सड़क का कोई सुविधा नहीं, पेयजल का सुविधा नहीं, इस स्थिति में कैसे कोई आगे बढ़ सकता है, कैसे कोई विकास कर सकता है? ये हैं विनोद सिन्हा, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पांकी में बदलाव जरूरी है, खासकर इन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि पांकी में जो अंधेरा छाया है उसमें उजाला लाने के लिए युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, युवाओं की भागीदारी होनी तो चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि पांकी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था विहीन है, इन्हें उम्मीद है कि पांकी की जनता इन्हें अपार स्नेह वोट के माध्यम से देगी और ये चुनाव में अपना जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ पलामू।